पर्सनली चार कॉन्टेक्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द्विघात समीकरण। क्वेश्चन दे रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। द्विघात समीकरण बनाओ। क्वेश्चन दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल पांच सौ अट्ठाईस मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई लंबाई को एल से दर्शा रहा है, चौड़ाई दुगने से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई मीटर में है, चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। लंबाई से दुगनी है, चौड़ाई लंबाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल 528 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2L² + L² = 528। तो 2L² + L - 528 = 0, जो कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण ही है तो इसमें हमको लंबाई चौड़ाई और ज्ञात करनी है, तो इसके गुणनखंड करेंगे अपन। 528 दे रखा है ना,
दो से मल्टीप्लाई किया 16, 5 1056 गुणनखंड निकाले में 2 2 4 2 8 3 2 2 6 4 2 1 3 2 2 6 6 2 3 11 3 2 2 4 4 8 8 16 16 32। तो इसके गुणनखंड होंगे 2L² - 32L - 32L - 528 = 0। यहाँ से 2L कॉमन आ गया, L+33 - 32 कॉमन आ गया, L+528 में 32 का भाग देंगे तो 33 आ जाना, 32 × 33। गलत लिखा हुआ समीकरण, यहाँ तो सही दिया लेकिन यहाँ पर 2L को मान लेंगे ना, L -33 = 33, 92 में से 33 गया, 9 4 में से 3 गया 1, 28, 33 × 6 6 18 6 19। L -16 = 2L - 33 = 0, L = 16, L का मान 16 आ गया तो B का मान 2 × 16 + 1 = 33। अब देखो दो प्रकार देखते हैं, एक आयताकार भूखंड को क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई जो क्षेत्रफल की लंबाई के दुगने से चौड़ाई, यहाँ ये होगी लंबाई के चौड़ाई लंबाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई एल इंटू चौड़ाई 2L + 1 = 528, इसको गुणा किया तो द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को अपन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए 2 को इससे गुणा करेंगे, 1056 आ गया, 1056 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई से इसको इससे, तो 32 × 33, तो 33 - 32 घटाएंगे तो ये बन जाएगा, तो 33L - 32L - 528,
तो अब गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर दो एल लेंगे तो 33 भाग नहीं जाता तो ये इधर लेंगे तो एल माइनस 16 माइनस 33 एल माइनस 16 एल माइनस 16 दोनों में कॉमन है अलग कर दिया तो एल का मान 16 16 मीटर इकाई मीटर आएगी तो बी का मान 33 मीटर होगा। इसका मान आ गया 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो क्रमागत गुणांक 306 है तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है तो माना धनात्मक पूर्णांक एक्स प्लस वन है माना धनात्मक पूर्णांक एक्स एक्स प्लस वन है तो इनका गुणनफल 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 द्विघात समीकरण बन गई। आप इसके गुणनखंड निकालेंगे 306 के दो का दिया फल 3 दो का तो 15 3 का 3 अपने बंदा 3 3 का 3 है 3 17 3 6 तो इसका गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। एक्स को मान लिया एक्स प्लस 18 माइनस 17 को मान लिया
एक्स माइनस कौन गया प्लस 17 एकम 17 13 बचा तो 136। अब 17 को भाग 136 में देगा तो 17 एकम 17 17 34 एक्स प्लस 18 यहाँ पर कॉमन है बाहर निकाला तो एक्स माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ पर x के दो मान मिल रहे हैं, x बराबर 17, दूसरा x बराबर माइनस 18। तो यहाँ पर x का मान 17, x बराबर माइनस 18। तो x का मान जो 17 है धनात्मक है या धनात्मक पूर्णांक मिले बुलाए तो इसके पूर्णांकों की अतः धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17 अगला 18 ये होंगे, एक बढ़ जाएगा 18 बढ़ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। तो माना धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 यहाँ पर क्रमागत आ रहा है तो क्रमागत में एक जोड़ देते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल 306 है तो x इंटू x प्लस 1 का गुणनफल ये है, इसको गुणा किया तो ये समीकरण बनी जो कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में अब उनको x का मान लाने के लिए इसे हल करेंगे द्विघात समीकरण को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके गुणनखंड निकालेंगे, ये गुणनखंड निकाले इसको इससे गुणा किया इसको इससे 18 इंटू 17 बन रहा है तो यहाँ पर x आ रहा है तो 18x माइनस 17x पे इसमें टुकड़े कर देंगे। फिर इसको सोल्व किया तो इसके मान 17 तथा 18 आया, यहाँ पर 18 ऋणात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं तो ये x का मान 17 होगा तो धनात्मक पूर्णांक 17 एक बढ़ेगा तो 18 दो पूर्णांक।